बारिश आज भी मुसीबत। हाँ बारिश आज भी मुसीबत। जब बारिश नीचे आ रही होती है बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हम सीधे चल रहे हैं, है ना। बारिश नीचे आ रही है और हम सीधे चल रहे हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट में बारिश किधर आती हुई दिखेगी? मुंह के पास। मुंह के पास, है ना, ठीक है। और अगर बारिश सीधा आ रही है और हम ऐसे चल रहे हैं तो किधर आती हुई दिखेगी? ऐसे, है ना। और मान लो हम और बारिश जो है, अच्छा तो हमें छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? छाता सामने ऐसे, yes. ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना, yes. और अगर ऐसे चल रहे तो छाता सामने, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो भीग जाएंगे, भीग जाएंगे ना, yeah. अगर ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। अच्छा एक चीज और, जैसे बारिश ऐसे आ रही, बारिश वर्टिकल दिशा किसी एंगल से इस तरीके से आ रही है ना, ऐसे आ रही है और मैं इधर जा रहा हूँ, तो मुझे किधर दिखेगी? स्ट्रेट। वर्टिकल से थोड़ा और एंगल ज्यादा, वर्टिकल से थोड़ा और एंगल ज्यादा। जैसे बारिश वाली फिल्म में खा लेते हैं 45 डिग्री आ रही है ऐसे, है ना। और मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, में जब जब सीधा आ रहा हूँ तो ऐसे दिखा रहे, और जब ऐसे आ रहा हूँ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे पैर को छाता और इस तरीके से आगे की तरफ करना पड़ेगा, है ना। और जैसे जैसे मैं ठंडी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो छाता जो है मैं और आगे आगे करना पड़ेगा, छाता हाँ छाता पकड़ने का एंगल भी बदलता रहे। अच्छा, और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, बारिश ऐसे आ रही, बारिश इधर आ रही है ऐसे पीछे से आ रही है और मैं सामने चल रहा हूँ, एक्चुअली में बारिश इधर आ रही है ऐसे आ रही है और मैं सामने चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बारिश का जो एंगल है उसे थोड़ा सा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में बारिश है तो मुझे थोड़ा सा एंगल कम करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए नहीं ऐसे, एक्चुअली में बारिश ऐसे आ रही है, बारिश का डायरेक्शन ए है और मैं चल रहा हूँ इधर, तो मुझे छाता बारिश के डायरेक्शन से वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल कम करना पड़ेगा, है ना। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, देखो जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ, सॉरी बारिश ऐसे आ रही है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरी वेलोसिटी और जो बारिश का वेलोसिटी वो है, जब उसको कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना वो उसको बैलेंस कर लेगा। एक्चुअली में जो बारिश किसी और के रिस्पेक्ट में, जो आदमी रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में एक्चुअली में जो ऐसे आ रही थी वही बारिश मेरे रिस्पेक्ट में जब मैं चल रहा हूँ ना तो किधर आएगी? वर्टिकल, है ना। नहीं समझा ना, बारिश ऐसे आ रही है और मैं इधर चल रहा हूँ, बारिश ऐसे आ रही है मैं इधर चल रहा हूँ, अरे तो बारिश तो मुझे थोड़ी सी, जैसे अगर मैं सीधा चलता और बारिश सीधी आती है और मैं ऐसे चलता तो बारिश की तरह भी दिखती ऐसे, है ना। और एक्चुअली में बारिश अभी ऐसे अगर आ रही होगी और मैं इधर चल रहा हूँ तो बारिश थोड़ा सा हमारे बारिश की तरह दिखेगी, थोड़ा सा एंगल ऐसे, यानी जो बारिश एंगल है उससे थोड़ा सा वर्टिकल के साथ एंगल कम हो, है ना। तो इसलिए छाता मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब बारिश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मेरे वेलोसिटी को बैलेंस कर लेगा, उस टाइम में बारिश की तरह होगी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे वेलोसिटी में आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अरे छाता ही पहुंचा ना, छाता ही पहुंचा। देखो यहाँ पे ऐसा है ना,
बैठा गया जैसे हमारा एक लड़का है, आदमी है, कुछ भी ले ले, है ना। और बारिश नीचे गिर रही है, बारिश नीचे गिर रही है ना। और हम अपने स्पेड में अब हमारे ऊपर एक चीटा बैठा हुआ है, हमारे ऊपर एक चीटा बैठा हुआ है और हम अपने स्पेड में बारिश के बूंदों को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बारिश के बूंदों को देख रहे हैं। तो अभी जो आदमी जो है रेस्ट में है ना, आदमी क्या है रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी? जीरो, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, बारिश जो है वो ऐसे जाएगी ना? बारिश ऐसे जाएगी नहीं ना, नीचे की तरफ आएगी। हमेशा बारिश कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की तरफ ही आएगी, ठीक है ना। अच्छा तो मान लेते हैं बारिश जो है 8% से चल रही है, बारिश कितने से चल रही है? 8%। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? नेगेटिव। सर हाँ, अगर हम बादल की रिस्पेक्ट में देखें तो बारिश तो ऊपर से नीचे जा रही है। क्या मतलब? नीचे से ऊपर जा रही है ना बादल की रिस्पेक्ट में। अरे ऊपर से नीचे नहीं जा रही होगी, बादल की रिस्पेक्ट में। बादल तो ऊपर है ना। हाँ तो भाई उसके हिसाब से नीचे से ऊपर ही जा रही है। इसको विजुलाइज करो, फिर नहीं आएगा तो आगे पूछता। बारिश नीचे ही जाएगी, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है हमारा? यानी -8। और डायरेक्शन क्या होगा? जे कैप -8 जे कैप। अच्छा एक चीज बताओ, मैं चीटा तो इस पर बैठा है, तो मैं जो मैन है वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैन है वो क्या हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मैं आदमी में बैठ के अभी केतन को लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ? तो आदमी में बैठ के बारिश को देख रहा हूँ, यानी बारिश का हेरेन है, बारिश का है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू किसके? मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और एक किस फॉर्म में होगा? वेक्टर फॉर्म में। -8। एक किस फॉर्म में होगा? यानी VRM। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको -8 VR - VM। लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मैन की वेलोसिटी जीरो, तो -8 यानी VRM, है ना। अच्छा तो अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मुझे छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? सीधा। सीधा का मतलब क्या है? ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे क्या? सर के ऊपर। सर के ऊपर, तो जितना डायरेक्शन आ रही है ना हमेशा उसके ऊपर ही छाता पकड़ना है। तो एक्चुअली में अगर साइंस को फॉलो लग गया, फिजिक्स को फॉलो लग गया कि हम जिस डायरेक्शन में बारिश आ रही है उसी डायरेक्शन में छाते को पकड़ेंगे तो हम भीग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, कपड़े गीले हो जाएंगे, छाते में पानी भर, हाँ छाते में पानी भर जाए। इसीलिए कैसे पकड़ना है? ऐसे, सही है ना? तो जितना डायरेक्शन आ गया उसको हमेशा उसको मोड़ देना है, ऊपर कर देना है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं बारिश जो है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। बारिश जो है ये हमारा केतन है, कौन है? अरे वो
6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यानी वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डाउन वर्ड से तुम्हें आ रहा ना माइनस सिक्स लेकर। तो हमें और जो चेतन जो है 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने वेलोसिटी चल रहा है 8 मीटर है। तो ये रोड है, क्या हमारा रोड है, रोड पे कितने चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेंज मत पता है, बस बेचारा जो मैन है उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी क्या है हमारी, तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्ट करवाएंगे, इज्जत है ना उसकी, उसको हम क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्ट करवाएंगे। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ कितना होगा, एट आई क्या हमारा, एट आई ठीक है। अच्छा तो मैं फॉर्मूला ला सकता हूँ, इस पर चीटा बैठ, चेतन के ऊपर चीटी बैठी है, चेतन के ऊपर कौन बैठा है, चीटा, ये चीटी है, अरे चेतन के ऊपर बैठा है, बैठी है, बैठा है, बैठी है, बैठी है, बैठी है, चेतन के ऊपर चीटी बैठी है। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिखा था ना वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ बारिश किस पर, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, यानी यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी क्या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी बी आर माइनस बी एम, बी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, माइनस आया क्या, है ना, कुछ नहीं है, फिजिक्स इज वेरी आसान, यानी माइनस सिक्स जाएगा माइनस एट। अच्छा इसको भी वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो ना, नहीं इसको डायग्राम बनाना है, क्या करना है, डायग्राम बनाना है, यानी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे माइनस एट यानी नीचे, माइनस सिक्स यानी इधर, माइनस सिक्स, आई एम सॉरी फॉर डैट, हम इस बात के लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं ना, यहाँ पे एट है ना, अच्छा तो जो वी आर एम होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 37 बीच में है, एक इधर एक इधर, तो रिलेटेंट इसके बीच में, बीच में एक इधर और एक इधर, तो रिलेटेंट उसके है ना। अच्छा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, निकाल सकता हूँ मैं, 20/4 माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस एट का 5/4 10 आ जाएगा, नहीं 10 सॉरी प्लस अच्छा जो इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन हमें से कहाँ से लेना है, वर्टिकल से, जो डायरेक्शन है कहाँ से लेना है हमें, वर्टिकल, वर्टिकल से। अच्छा तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एंगल थीटा, तो ये 6 और ये कितना होगा, 8 होगा ना, 37 ये 8 होगा, 3/4 तो tan थीटा क्या होता है, b/b होता है ना, यस, tan थीटा क्या होता है, b/b, यानी tan थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 8 बेस कितना है, परपेंडिकुलर थीटा के साथ में परपेंडिकुलर होता है ना, 8 बेस कितना होगा, 6/4 यानी 8/6 53 डिग्री,
ये कितना आया हमारा 53 डिग्री। तो हमें छाते को ऐसा पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा पढ़ना पड़ेगा अपोजिट ऐसे। इसका ये जो है ना ये जो डायरेक्शन आ रहा है इसका अपोजिट देखो है ना, इसके अपोजिट पकड़ना पड़ेगा तभी हम तो बारिश से बच पाएंगे। बारिश जो बारिश कैसे आ रही है ऐसे, तो छाते को ये बचा रहे ना, छाते कैसे पकड़ना पड़ेगा ना। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, बिक जाएगी, गिल होता है पीछे से है ना, आगे से गिले यही होगी नहीं होंगे, पीछे से गिले होंगे ठीक है। फिर डॉट करी